करना हो या किसी चीज के लिए कोई पूछना हो तो हम उसके लिए हु का यूज करते हैं, ठीक है। जैसे कि हु आर यू, तो कौन हो, तो हु का मतलब क्या होता है, कौन, ठीक है। या फिर हम हु का यूज किसके लिए भी पूछ सकते हैं, किसका, जैसे कोई पेन है, कोई पेंसिल है, कोई बुक है, घर में भी कोई ऑब्जेक्ट है, कोई भी चीज है, पर्स, पैसे, तो हम उसके लिए पूछते हैं कि ये किसका है, तो हम उसके लिए भी हु का यूज कर सकते हैं कि लाइक दिस, ये पेन किसका है, ये पेंसिल किसकी है, तो हूज पेंसिल इज दिस, ये पेंसिल किसकी है, ठीक है। अब आते हैं यूज ऑफ व्हाट, व्हाट का मतलब क्या होता है, क्या, व्हाट का मतलब क्या होता है, क्या, तो क्या के लिए यूज, व्हाट का यूज हम किसलिए करते हैं कि किसी चीज के लिए पूछने के लिए कि ये चीज क्या है, व्हाट इज दिस, दिस कभी आप मेरे से पूछ सकते हैं, व्हाट इज दिस, कोई भी हाथ का ऑब्जेक्ट हो, एक पेंसिल है मेरे पास, व्हाट इज दिस, ये क्या है, तो मैं आपको आंसर करूंगी उसके बाद कि ये पेन है, लेकिन उसके लिए आपको क्वेश्चन जब भी पूछोगे कि ये क्या है तो आपको उसके लिए व्हाट का यूज करना पड़ेगा, व्हाट इज दिस, दिस इज अ पेन, ठीक है। तो हमें उसके लिए व्हाट का यूज करते हैं कोई भी क्वेश्चन पूछना हो तो, ओके। सो इंग्लिश डिलाइट बुक पेज नंबर 55, ओके। सो लुक एट हियर, अ बॉय इन अ कार, लेकिन सबसे पहले हम उसके क्वेश्चन क्या पूछेंगे, हु इज इन द कार, ये कार में कौन है, हु इज इन द कार, तो अ बॉय, अ बॉय इन, एक लड़का बैठा है ना कार के अंदर, तो सबसे पहले उसको कैसे पूछेंगे कि हु इज इन द कार। नेक्स्ट, हु इज ही, ये है कौन है, हमें पूछना है ना कि हाँ कौन है, तो हम क्या बोलेंगे, शिवाजी, ठीक है। हु टीचेस यू, तुम्हें कौन पढ़ाता है, तो माई टीचर, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं यूज ऑफ व्हाट पे, सो व्हाट इज इन योर पॉकेट, तुम्हारे पॉकेट में क्या है, तो अ पेन, तुम्हारे उसके पॉकेट में पेन रखा हुआ था तो उसने पेन बता दिया, आपके पास जब भी कुछ होता आप अपना वो अपना वो बता दीजिए कि जो भी आपके पास चीजें हो, तो व्हाट इज इन योर हैंड, आपके हाथ में क्या है, इसके हाथ में क्या है, देखो इसके हाथ में क्या है, बॉल, तो अ बॉल, व्हाट इज इन योर हैंड, तो अ बॉल, व्हाट इज दिस, ये क्या है, पूछ रहे ना कि व्हाट मतलब क्या है ये, तो अ केज, ये क्या है, एक केज है, ओके। सो ये था आपका यूज ऑफ हु एंड व्हाट, यूज हु और व्हाट का यूज हम किस तरीके से करते हैं और क्यों करते हैं, ओके। तो कल जब नाइन क्लास होगी तो मैं इसके बारे में और भी कुछ डिस्कशन करेंगे आपसे, ठीक है।